दोस्तों ड्रीम इलेवन में रैंक वन कौन नहीं लाना चाहता है, ड्रीम इलेवन से 1 करोड़ वाला प्राइस कौन नहीं विन करना चाहता है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों को दोस्तों रैंक वन लानी है ड्रीम इलेवन में, और सभी लोग 1 करोड़ वाला प्राइस विन करना चाहते हैं, और दोस्तों करना भी चाहिए क्योंकि दोस्तों पैसे से ही सब कुछ होता है। आज हम आपको एक ऐसे विनर के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने दोस्तों ड्रीम इलेवन में रैंक वन लाया है दोस्तों रैंक वन, और दोस्तों 1 करोड़ वाला प्राइस विन कर लिया है। वो कौन सा मैच है, कब कब हुआ था, और दोस्तों कैसी टीम बनाई थी, वो कौन सा मैच था दोस्तों जिसमें इन्होंने रैंक वन लाई है, इनका क्या नाम है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, कब से ड्रीम इलेवन खेल रहे हैं, A to Z पूरी जानकारी देंगे। जो जरूरी चीज़ दोस्तों टीम कैसे बनाई थी, कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन कैसे किया था, उसके बारे में भी जानकारी देंगे कि कैसे इन्होंने अपनी पूरी टीम बनाई थी और कैसे दोस्तों पूरा सिलेक्शन प्रोसेस इनका कैसे क्या था। तो पूरी जानकारी वन बाई वन आज की वीडियो में आपको देने वाले हैं। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, और दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करो ताकि सभी लोगों को मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों आइए वीडियो में बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन पे ऑल पे क्लिक करो, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती है। तो फैंसी हेल्प को इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों हमारा टेलीग्राम है, लिंक है जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जाएँ ज्वाइन हो जाएँ, वहाँ पर आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। फैंसी हेल्प 23 के नाम से है, आप लोग सर्च करके भी दोस्तों जा सकते हैं। दोस्तों इनका जो नाम है मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कहाँ के रहने वाले हैं वो भी बताने वाला हूँ, लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ मैच कौन सा था जिसमें इन्होंने रैंक वन लाई हुई। तो दोस्तों टाटा वुमेन प्रीमियर लीग की तरफ से 18 मार्च को हुए दोस्तों RCB वुमेन वर्सेज गुजरात वुमेन के बीच में दोस्तों जो मैच था उसमें इनकी रैंक वन आई है और 1 करोड़ वाला प्राइस दोस्तों इन्होंने विन कर लिया है। दोस्तों इनका क्या नाम है, ये कब से ड्रीम इलेवन खेल रहे हैं, दोस्तों पूरी जानकारी आज की वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। दोस्तों पूरा आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, दोस्तों RCB वुमेन रॉयल चैलेंज बंगलोर और गुजरात वुमेन के बीच में 18 मार्च को टाटा वुमेन प्रीमियर लीग की तरफ से इस मैच का आयोजन किया गया था, जिसमें दोस्तों प्राइस पूल 18 करोड़ रुपए का था, उसमें से 1 करोड़ रुपए दोस्तों इन्होंने विन कर लिए हैं। आइए बताते हैं इनका क्या नाम है और ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो दोस्तों इनका नाम लितन मलाकर है, जो कि त्रिपुरा स्टेट के रहने वाले हैं और 2022 से खेल रहे हैं, यानी कि दोस्तों सिर्फ एक ही साल हुआ है मैच खेलते हुए, और दोस्तों एक ही साल में इन्होंने रैंक वन ला ली है। 2 टीम बनाई थी, उसी में से 1 टीमों की वजह से इनकी रैंक बनाई है और 1 करोड़ वाला प्राइस विन कर लिया है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। तो दोस्तों 2022 से खेल रहे हैं, 2023 में रैंक बना गई, यानी कि 1 साल में मेहनत करके रैंक बना गई, और जो भी लॉस हुआ होगा इनका दोस्तों, क्योंकि 1 साल में कई सारे मैचेस खेले हैं लॉस हुआ ही होगा, वो सब 1 बार में रिकवर हो गया। दोस्तों ये होती है स्ट्रेटजी, ये होती है जानकारी। अगर आप भी लगातार हमारे चैनल से जुड़े हुए होंगे तो आपको पता है यहाँ पर ड्रीम इलेवन विनिंग रिलेटेड वीडियो पड़ती रहती है, तो आपको उसको लास्ट तक देखना होता है, क्योंकि वहाँ पे हम जो स्ट्रेटजी ट्रिक बताते हैं वो दोस्तों ड्रीम इलेवन के जो विनर इंटरव्यू देने आते हैं उन्हीं की स्ट्रेटजीज रहती हैं, तो ये काफ़ी इफेक्टिव होती है, तो आप लोगों को उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। GL रिलेटेड जितनी भी ट्रिक वीडियोज़ पड़ी हुई हैं एक दिन बैठ के सब कुछ देखिए, फिर टीम बनाइए, फिर आप लोग खुद देखेंगे कि दोस्तों कितना अच्छे तरीके से आपकी वहाँ पर विनिंग होती है। दोस्तों आइए बताते हैं इनका जो पूरा सीन है, इनका जो पूरा टीम का कंडीशन है वो कैसे हुआ था, कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन कैसे किया गया था, और किस स्ट्रेटजी के माध्यम से इनकी रैंक बनाई है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों इस मैच में इनके 84.6 पॉइंट समथिंग आए थे इनके दोस्तों, और इसी मैच के माध्यम दोस्तों इनकी विनिंग हुई है। आइए बात करते हैं कैसे अपने विकेट कीपर, कैसे ऑलराउंडर, कैसे कैप्टन, और कैसे दोस्तों पूरा पूरा बॉलर का क्या सीन है, कैसे टीम बनाई थी, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। आप लोग स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, इन्होंने बनाया है विकेट कीपर आर घोष को, ठीक है, आर घोष को विकेट कीपर बनाया है, बैट्समैन में रखा है, जो बैटर्स हैं उनको रखा है दोस्तों S Divine, L Wolver और दोस्तों S Mandana है, साथ ही साथ S Meghana और H Deol हैं, यानी कि 5 मेंबर दोस्तों इन्होंने बैट्समैन में रखे हुए हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें ऑलराउंडर की, तो यहाँ पर E Perry, A Gardner, S Rana और S Patil को इन्होंने बना दिया ऑलराउंडर्स, यानी कि 4 मेंबर ऑलराउंडर्स में इन्होंने लिए हैं, और बॉलर में दोस्तों P Bose को लिया हुआ है। अब दोस्तों यूनिक तो टीम है ये काफ़ी, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से इनका टीम का क्रिएशन है वह काफ़ी अच्छा है। अब दोस्तों बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की सिलेक्शन किस बेसिस पर की गई थी, कैसे की गई थी, तो आप लोग देख ही सकते हो स्क्रीन पर, S Divine को बनाया है कैप्टन और L Wolver को दोस्तों बना दिया है वाइस कैप्टन, और इसी स्ट्रेटजी के थ्रू, इसी जानकारी के थ्रू दोस्तों इनकी इतनी बड़ी विनिंग हुई है और इसी के माध्यम से इनकी रैंक वन आई हुई है। दोस्तों अगर आप भी लगातार टीम बना रहे हो, विन नहीं हो पा रहा है, तो इस स्ट्रेटजी को आप भी फॉलो करो। दोस्तों विकेट कीपिंग, ऑलराउंडर और बैट्समैन का काफ़ी अच्छा जो कम्बिनेशन होता है वो दोस्तों डिपेंड करता है पिच पे, और पिच की जानकारी पूरी हम अपने चैनल पे देते रहते हैं, तो जाके पिच की जानकारियाँ देखो, सब्सक्राइब करो इसको,
और बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। वो नहीं पहुंचेगा तो कितनी भी अच्छी वीडियो होगी अब तक नहीं पहुंच पाएगी। तो बेल नोटिफिकेशन पे ऑल पे क्लिक करें, घंटी पे ऑल दबाएं।